हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश थालीपीठ। इसको बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें सबसे पहले हम एक बड़ी कटोरी मक्की का आटा लेंगे और इस मक्की के आटे में हमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। फिर मसालों में हमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालना है, उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर के बाद हमें धनिया पाउडर और फिर नमक स्वाद अनुसार डालना है। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद हमें जो हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट हमने बना कर रखा है वो भी हमें इसमें डाल देना है। इसके बाद हमें इन सभी मसालों के साथ इस आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़े पानी के साथ इसको अच्छा सा आटा लगा लेना है। ध्यान रखिए आटा ना ज़्यादा कड़ा हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके इसका एक बहुत ही अच्छे से आटा तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए आटा इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। जब ये आटा बनकर तैयार हो गया है तो अब हम इसके छोटे छोटे लोई लेंगे और इसको गोल गोल पेड़े बना लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, तवा रखेंगे। तवा रखने के बाद जब तवा गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह से एक चम्मच तेल हमें फैला देना है। उसके बाद हाथों की सहायता से ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हाथों को गीले करते रहिए और इसे इस तरह से तवे पर फैलाते रहना है। बीच बीच में आप अपने हाथ गीले करते रहिए और इसे थापते रहिए। इस तरह से आपको एक जैसा जो है थालीपीठ तवे पर बना देना है, फैला देना है, सब साइड्स इक्वल हो जाए। इस तरह से यहाँ पर पानी का हाथ लगा लगा के आप बना दीजिए। फिर आप एक चम्मच तेल डाल दीजिए ताकि ये नीचे से पक जाए। बीच में भी आप इसमें छेद कर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। फिर आप इसे 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाइए। इसके बाद हम इसे निकालेंगे और फिर दूसरी साइड से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से आपको इसे अच्छे से पलट देना है। एक साइड हमारी सिक चुकी है, दूसरी साइड भी हम इसे इसी तरह से चारों तरफ तेल लगाकर और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमारा जो थालीपीठ है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। धन्यवाद।